अगली खबर है रीवा जिले से, जहां मध्य प्रदेश प्रदेश का स्थापना दिवस समारोह 1 नवंबर को समारोह पूर्वक स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इसके कार्यक्रम 1 नवंबर से 7 नवंबर तक आयोजित होंगे। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर मनोज पुष्प ने अधिकारियों को स्थापना दिवस कार्यक्रमों के संबंध में निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि प्रदेश का स्थापना दिवस जिला मुख्यालय के साथ साथ सभी नगरीय निकायों तथा सभी ग्राम पंचायतों में मनाया जाएगा। प्रदेश के गौरव तथा उल्लास के वातावरण में कार्यक्रम का आयोजन करें। प्रथम दिन 1 नवंबर को प्रातः 7 बजे सभी नगरीय निकायों तथा ग्राम पंचायतों में प्रभात फेरी निकाली जाएगी। इसमें मुख्य रूप से शिक्षा विभाग, सहकारिता विभाग तथा जन अभियान परिसर शामिल होंगे। नगरीय निकाय तथा ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों कर्मचारियों को इसमें शामिल करें। इसी दिन मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के पात्र पाए गए हितग्राहियों को दोपहर 12 बजे समारोह पूर्वक हित लाभ का वितरण किया जाएगा। यह कार्यक्रम कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित होगा। इसमें विभिन्न विभागों के 2000 हितग्राही शामिल होंगे। संबंधित अधिकारी समारोह में लाभान्वित करने वाले हितग्राहियों की सूची 2 दिवस में उपलब्ध कराएं। इनकी उपस्थिति भी समारोह में सुनिश्चित करें। समारोह के दूसरे दिन 2 नवंबर को लाडली लक्ष्मी योजना का समारोह होगा। एक दिन जिला मुख्यालय की एक सड़क तथा एक पार्क का नामकरण लाडली लक्ष्मी के नाम पर किया जाएगा। साथ ही महिला सशक्तिकरण से जुड़े कार्यक्रम आयोजित होंगे। महिला एवं बाल विकास अधिकारी नगर निगम से समन्वय करके कार्यक्रम का आयोजन कराएं। तीसरे दिन 3 नवंबर को स्वच्छता संबंधी कार्यक्रम सभी नगरीय निकायों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित किए जाएंगे। इन दिन महापुरुषों की प्रतिमाओं, ऐतिहासिक भवनों तथा प्रमुख सार्वजनिक स्थलों की विशेष साफ सफाई की जाएगी। आयुक्त नगर निगम तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी इस संबंध में समुचित व्यवस्थाएं करें। इसी दिन जिला खेल अधिकारी जिला एवं विकास खंड स्तर पर ग्रामीण खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करेंगे। 4 नवंबर को एक जिला एक उत्पाद योजना के कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित होंगे। इसमें कृषि विज्ञान केंद्र उद्यानिकी तथा वन विभाग के अधिकारी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। स्थापना दिवस के 5वें दिन 5 नवंबर को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें प्रदेश के गौरव से जुड़े नृत्य, गीत एवं नाटक का आयोजन अपर कलेक्टर, अपर संचालक उच्च शिक्षा तथा जिला शिक्षा अधिकारी करेंगे। कार्यक्रम राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद 6 नवंबर को पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दिन PHE जल संसाधन, अजय ऊर्जा तथा ऊर्जा विभाग जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे। कलेक्टर ने कहा कि स्थापना दिवस का समापन 7 नवंबर को पुरस्कार वितरण से होगा। इस दिन वर्ष भर अच्छा कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारी को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जाएगा। जन सेवा अभियान में भी अच्छा कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारी सम्मानित किया जाएगा। सभी कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठ कार्य करने वाले अधिकारियों के प्रस्ताव अपर कलेक्टर को प्रस्तुत करें। यह कार्यक्रम राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित होगा। कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। बैठक में स्थापना दिवस को रोचक तरीके से मनाने के लिए कई उपयोगी सुझाव दिए गए। बैठक में आयुक्त नगर निगम, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े, अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, डिप्टी कलेक्टर संजीव पांडे तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।